दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित प्रजापति ट्रेडर आपका अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से अगेन गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और वीकली फॉरेक्स फंडामेंटल करेंगे। इसी के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में गोल्ड और यूरो यूएसडी के ट्रेडिंग लेवल्स बताऊंगा कि इस सप्ताह यूरो यूएसडी और गोल्ड के क्या ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बिना देरी के फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और चलते हैं investing.com पर। तो जैसे कि दोस्तों हम अपने investing.com पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको टूल्स में जाकर इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्लिक करना होता है तो आपके सामने ये इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने यहाँ पर फिल्टर्स में जाकर जो हाई सेंसिटिव न्यूज है 3 स्टार वाली सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया है। इससे जो अनवांटेड न्यूज होती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लो इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट डालती है, वो नॉइज यहाँ से हट जाती है और यहाँ पर सिर्फ हाई सेंसिटिव न्यूज आपको देखने को मिलती है। तो आइए सबसे पहले अभी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने नेक्स्ट वीक का कैलेंडर लगा हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंडे में तो कोई खास न्यूज नहीं है लेकिन मार्केट चालू रहेगा। और ट्यूसडे यानी कि 26 सितंबर में आप यहां पर देखेंगे यूएसटी के रिगार्डिंग यहां पर बिल्डिंग परमिट्स का डेटा आने वाला है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है और यहां पर यूएसटी का न्यू होम सेल। तो दोस्तों तीनों ही डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो इस दिन भी काफी बढ़िया वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है और ये मार्केट पर और खासतौर पर गोल्ड पर काफी बढ़िया प्रभाव डालते हैं। उसके बाद दोस्तों वेनेसडे यानी कि 27 सितंबर में हम यहाँ पर देखेंगे कोर ड्यूरेबल गुड्स का डेटा आएगा और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री। दोस्तों ये दिन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बढ़िया न्यूज है इस दिन भी। उसके बाद थर्सडे यानी कि 28 सितंबर में आप यहाँ पर देखेंगे यूरो के लिए एक न्यूज है, जर्मन सीपीआई का डेटा और यूएसटी के लिए 3 न्यूज है, जीडीपी का डेटा आएगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम और पेंडिंग होम सेल। दोस्तों तीनों डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गोल्ड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज रहने वाली है ये। उसके बाद फ्राइडे यानी कि 29 सितंबर में आप देखेंगे चाइना का तो यहाँ पर हॉलीडे है तो इससे कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यूएसटी के लिए यहाँ पर 3 न्यूज है, जैसे कि आप देख सकते हैं फेड चेयर पॉवेल स्पीक, तो यहाँ पर ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस है इनकी, उसकी रिगार्डिंग यहाँ पर यूएसटी का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स ईयरली और मंथली बेसिस पर आने वाला है। इसके अलावा जीबीपी के लिए यहाँ पर 2 न्यूज है जो की काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जीडीपी का डेटा आएगा ईयरली और क्वार्टरली, यूरो के लिए यहाँ पर सीपीआई का डेटा आएगा तो ये दिन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट डे सैटरडे को तो मार्केट ओपन नहीं रहता है लेकिन यहाँ पर चाइना का डेटा आएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस महीने का ये लास्ट डे है तो लास्ट डे में क्या होता है चाइना की तरफ से डेटा आता है जो कमोडिटीज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ये आने वाले सप्ताह के लिए फॉरेक्स के फंडामेंटल इवेंट्स है। तो मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो इस चीज को ध्यान रख लीजिए कि आपको फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेड करने से पहले आपको एक बार कैलेंडर जरूर देखना चाहिए, इससे आपको मार्केट में होने वाली अनवांटेड हलचल का अनुमान हो जाता है। तो आइए अभी बिना देरी के चलते हैं अपने चार्ट पर। दोस्तों चार्ट पर चलने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक पोस्ट दिखाना चाहूंगा अपनी, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था फ्राइडे में, तो मैंने अपने टेलीग्राम में एक चार्ट डाला था और आपको कुछ अपडेट देने का प्रयास किया था तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो मित्रों जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम है और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले अंकित प्रजापति ट्रेडर, और इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ये मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है तो कोई भी अपडेट होती है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे, कभी कभी कुछ ट्रेडिंग के रिगार्डिंग अपडेट भी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट डाला था, यहाँ पर डाला था एक्सपेक्टेड मूव। एक्सपेक्टेड मूव में मैंने क्या डाला था देखिए मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड की डायरेक्शन दी थी कि कुछ इस प्रकार से एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है, तो यहां पर ये आपने देख लिया। अभी आप देखिए मैं आपको रियली चार्ट में लेकर चलता हूं। दोस्तों ये देखिए investing.com पर ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो मैंने मतलब मॉर्निंग में यहाँ पर ये एक आपको मैपिंग करके दी थी और मार्केट पूरा दिन सिर्फ इसी रेंज में डोलता रहा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो एक रेंज सी बनाई मार्केट ने, पूरा दिन इसी रेंज में मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग होती रही, मार्केट स्ट्रगल करता रहा। तो दोस्तों ये सब चीजें पॉसिबल होती हैं आपके एक्सपीरियंस से और आपकी चार्ट रीडिंग की स्किल्स से। तो जैसे जैसे आप चार्ट रीडिंग करते हैं तो आपको भी अनुमान होने लग जाता है कि मार्केट किस प्रकार से मूव करेगा। मार्केट में देखिए मैं फिर से बोलूंगा 100% कुछ नहीं होता, लेकिन आप मार्केट को क्रैक कर सकते हैं 90-95% अपनी स्किल्स और प्रैक्टिस के आधार पर।
तो काफी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए कि सर आपने पोस्ट डाली थी मॉर्निंग में और मार्केट सिर्फ यहीं तक गया है और यहीं पर स्ट्रगल कर रहा है। तो खैर चलिए अभी हम मार्केट की डायरेक्शन का आगे का यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्सपेक्टेड मूव है दोस्तों यहाँ पर ये, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मैं इसको 4 आवर में लगाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए ये काफी टाइम से यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, डाउन के बाद यहाँ पर अप शुरू हुआ। अप होने के बाद अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता तो ये ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर नहीं जा रहा है तो क्योंकि किसी ना किसी चीज की कमी है। अब देखिए किस चीज की कमी हो सकती है, पहली बात तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फंडामेंटल इवेंट्स, क्योंकि डेटा आता है महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद अगर मार्केट में बाइंग चाहिए तो सेलिंग के ऑर्डर चाहिए, तो मार्केट नीचे गया, अब यहां तक नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो चले ही जाना चाहिए थे ना, लेकिन फिर से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी और सेलिंग होने लगी, तो यानी कि अभी कुछ ना कुछ यहाँ पर अभी और बाकी है, तो अभी और वेट करना है आपको। यहाँ पर थोड़ी सी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में, ये चीज ध्यान रखिएगा, सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट जब यहां से यहां तक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो मार्केट को अगर नीचे जाना था तो यहां पर थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद यहां से नीचे जा सकता था, लेकिन दोस्तों मार्केट यहां से भी नीचे नहीं गया है, तो नीचे नहीं गया है तो मार्केट को जाना तो अल्टीमेटली ऊपर है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि कुछ फंडामेंटली इवेंट्स होते हैं, डेटा होते हैं, या फिर मार्केट में ऑर्डर्स का ही सारा खेल है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर देखिए मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता है दोस्तों, ये हमारा अभी एक्सपेक्टेड मूव है, और अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है यहां पर ये 1900 का जो लेवल है, ठीक है ना, 1900 से लेकर 1903 तक का अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो फिर जो हमारा एक्सपेक्टेड मूव यहां पर रहने वाला है दोस्तों, हमारा जो लेवल रहेगा फिर हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा ये 1980 से 85 का, तो यहां तक के लिए हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट इस वाले लेवल पर आने के बाद 1900 से 1903 के बाद आने के बाद यहां से रिवर्स होता है तो दोस्तों आपका यहां पर टारगेट रह सकता है, पहला टारगेट आपका यही रहेगा 1935-36 का, देन उसके बाद आपका सेकंड लेवल रहेगा यहाँ पर 1950 का, और इसके बाद जो अल्टीमेटली हमारा एक लेवल है जिसके लिए हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा 1970 का लेवल। तो यहाँ पर मार्केट कुछ इस प्रकार से मूव कर सकता है। अभी देखिए दोस्तों ट्रेडिंग करने के कुछ रूल रेगुलेशन नियम होते हैं, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, सबसे पहले आपको ट्रेड करने से पहले फंडामेंटल इवेंट्स देखना चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं आप भी, अगर आपको सिर्फ 2 दिन हुए ट्रेड करते हुए तो भी, क्योंकि सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल इवेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अपने चार्ट पर, यानी कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको अपने चार्ट पर एनालिसिस करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर 4 आवर में करके दिखाया है। तो 4 आवर में आपको क्या है कि मैपिंग करनी होती है, आपको एक डायरेक्शन का पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने किसी भी, आप जहां पर रहते हैं, लेट सपोज आपको हरिद्वार से दिल्ली तक भी जाना है, तो उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है मोटी मोटी। प्लानिंग आपको किस प्रकार से करनी पड़ेगी कि आप अपने घर से जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे या फिर ऑटो में जाएंगे, कैब में जाएंगे, उसके बाद आपको ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है या फिर बस में जाना है, उसके बाद आपको कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ पर होटल की बुकिंग करनी है, तो एक मोटी मोटी प्लानिंग होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली डिक्टो ऐसा हो तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जब आप घर से निकल जाते हैं तो आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं, भाई आपने सोचा था कि आपको कैब लेनी है लेकिन आपको ऑटो मिल जाता है, आपने सोचा था कि आपको बस लेनी है लेकिन आप शायद बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं, या फिर कुछ और भी एक्स वाई जेड हो सकता है, बीच में कुछ भी खराबी हो सकती है, आपको गाड़ी भी चेंज करनी पड़ सकती है। तो यानी कि ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको मैपिंग करनी होती है मोटी मोटी, मैपिंग के बाद आता है दोस्तों आपका जो मैंने बताया ना, घर से चलने के बाद आपको डिसीजन लेने होते हैं, यानी कि आपके पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं मोस्टली अप्रोच करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको 4 आवर का, और 4 आवर के चार्ट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी कर पाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको जस्ट 5 मिनट का चार्ट देखना होता है, या फिर आप 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। 15 मिनट या 5 मिनट में आप देखेंगे आपको बार बार कभी अप ट्रेंड मिलेगा, कभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड मिलेगा। तो दोस्तों ये काफी बड़ा मूव तो काफी बड़ा है ना भाई, आप यहाँ से यहाँ तक भी देखेंगे 1930 से लेकर मार्केट 1914 तक आया, अब 16 पॉइंट अगर नीचे आ रहा है, मार्केट 160 पिप के लगभग आपको मिल रहे हैं, और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में जस्ट 5 या 6 पिप के लिए काम करना होता है, ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर्स में। तो दोस्तों इस जो मूव को आप कैप्चर करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी चाहिए, कोई अच्छा सेटअप चाहिए।
तो इसीलिए स्ट्रेटजी सेटअप आपका खुद का भी हो सकता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप आ जाइए हमारे प्राइवेट ग्रुप में, वहां आपको स्ट्रेटजी भी मिलेगी, सेटअप भी मिलेगा, जैसे बाकी सब लोगों के आप स्क्रीनशॉट देखते हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही बनाएंगे। अब इसी के साथ साथ गोल्ड की हमने बात करी, तो अब करते हैं बात हम यूरो यूएसडी की, वहां पर भी आपको लॉजिक के साथ चीजें समझाऊंगा, मजा आएगा आपको। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट यहाँ पर लगा दिया है आपको, मैं काफी दिनों से बताता आ रहा हूँ यहाँ पर यूरो यूएसडी एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में कैसे होता है भाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस प्रकार से मार्केट बनाता हुआ आ रहा है। अभी तक मार्केट ने अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, जैसे कि अभी हमारा इससे पहले लोअर हाई था ये, इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, अभी हमारा लोअर हाई ये बन गया, क्यों? क्योंकि उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर लो ये बना था, लेकिन मार्केट ने अभी इस लोअर लो को भी ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं। अब मार्केट किस प्रकार से मूव करेगा दोस्तों, यहाँ पर दो सिनेरियो है, मैं आपको सबसे पहला सिनेरियो बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले वाला सिनेरियो हमारा कुछ इस प्रकार से हो सकता है, यानी कि मार्केट यहां पर अभी स्ट्रगल कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये एक रेंज है, ये आपको क्यों ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने 4 आवर में लगाई है, लेकिन अगर इसी रेंज को मैं 5 मिनट या 15 मिनट में लगा दूंगा तो दोस्तों आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि ट्रेड करना कैसे है। ये देखिए, इस तरह के मार्केट में ही सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ये देखिए पूरा इतना नीचे तक चला गया और उसके मतलब यहाँ पर 70% तक रिकवर किया, थोड़ी देर फिर से रेंज में आई, फिर 100% तक रिकवर किया। तो यानी कि इस तरह के मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यानी कि यहाँ पर अभी जो फिलहाल आपका एक मूव हो सकता है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, रेंज बना रहा है, इसके बाद थोड़ा और ऊपर जा सकता है, लेकिन अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा और उसके बाद मार्केट एक न्यू लोअर लो बना सकता है, इस लोअर लो को ब्रेक करके एक न्यू लोअर लो बना सकता है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो यानी कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यूअसली बेयरिश रह सकता है, लेकिन इसके अपोजिट एक और भी सिनेरियो हो सकता है मार्केट में, एक और भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ट्रेड में जाने से पहले आपको यहां पर मैपिंग करनी होगी, आपको एनालिसिस करना होगा, अपने माइंड में आइडियाज बनाने होंगे, वो भी लॉजिक्स के आधार पर। ऐसे नहीं कि भाई आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो यहां पर मैं दूसरा लॉजिक आपको बताता हूं। ये देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा लॉजिक कुछ इस प्रकार से हो सकता है, यानी कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, रेंज बनाते बनाते मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर एक न्यू लोअर लो बना सकता है, लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पर फिर से ऊपर आ सकता है मार्केट और यहाँ पर ये ऑर्डर्स लेकर फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये अगर हमारा ये वाला लोअर हाई जो है ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा और इसी की हम वेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये चेंज होता है ट्रेंड, तो दोस्तों आप यहाँ पर बाय की ट्रेड ले सकते हैं। बाय की ट्रेड में जो स्टॉप लॉस अल्टीमेटली आपका जो ये फाइनल लो है ये रहेगा और बाकी दोस्तों ऊपर तो खुला आसमान है। तो दोस्तों ये भी सिनेरियो हो सकता है। तो यहां पर हमने जस्ट मैपिंग करी है कि मार्केट में दो सिनेरियो हो सकते हैं। तो जिस तरीके से मार्केट यहां पर मूव करेगा, अगर लोअर लो को ब्रेक करेगा तो यहां पर एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर हम सेलिंग करेंगे, और अगर अपने लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो यहां पर एक स्टॉप लॉस लेकर हम इसको बाय भी करेंगे। तो दोस्तों ये होती है एनालिसिस, इस तरीके से आपको मैपिंग करनी होती है, आपको मतलब मैदान में जाने से पहले आपको प्रिपरेशन करनी होती है, तो प्रिपरेशन थोड़ा इस प्रकार से कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आइए बात कर लेते हैं प्राइवेट ग्रुप की, कि प्राइवेट ग्रुप में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, आपके काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं क्या सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों प्राइवेट ग्रुप में आपको एग्जैक्टली सीखने को मिलता है कि फॉरेक्स मार्केट चलता कैसे है, एग्जैक्टली उसके फंडामेंटल क्या है, उसके अलावा आपको कौन कौन से पेयर्स में ट्रेड करना चाहिए, करेंसी में ट्रेड करें तो कौन से करेंसी का पेयर बनाएं जिसमें आपको एकदम बिंदास मूवमेंट मिले, या फिर गोल्ड में कैसे ट्रेड करें, उसके अलावा आपको कौन सी टाइमिंग पे ट्रेड करना चाहिए, इसके बाद आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलती है। यानी कि मैंने आपको यहाँ पर मैपिंग बता दी, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा सेटअप या अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है तो दोस्तों आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपके लिए एनालिसिस कोई काम की नहीं है। तो इसीलिए वहां पर आपको स्ट्रेटजी भी मिलती है, तो आप उस स्ट्रेटजी के व्याप पर मार्केट में बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस का भी पता चलता है, कहां पर एंट्री लेनी है और टारगेट वगैरह आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप हमारे प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस लेना चाहते हैं, हमारी लर्निंग को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों कोई चार्जेस नहीं है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट ये एक सेवा है, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल की लर्निंग हमने दी है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए एक फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट आपको हमारे लिंक से ओपन कराना होता है। मैं आपको बेस्ट ब्रोकर रिकमेंड करता हूं, जहां पर आपके फंड की 100% सिक्योरिटी मिलती है और आपको अच्छी ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है। उन ब्रोकर्स के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।
आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करना होता है। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, मैं आपको अपने प्राइवेट फॉरेक्स लर्निंग ग्रुप में ऐड कर देता हूं। दोस्तों इसके अलावा आपके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपका ऑलरेडी अकाउंट हो सकता है उन ब्रोकर में जिनको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे आप मैसेज कीजिए तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। आप अपना आईबी चेंज कर सकते हैं, आईबी चेंज करने से आपका अकाउंट हमारे लिंक में आ जाता है, देन आपको हमारे प्राइवेट फॉरेक्स लर्निंग का एक्सेस मिल जाता है और आप इजीली हमारी ट्रेडिंग सर्विसेज ले सकते हैं और बढ़िया से ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग देखने में मुश्किल लगती है और काफी टेक्निकल भी होती है नो डाउट, लेकिन अगर आप इसको सही से सीख लेते हैं, सही से आपको कोई से समझा देता है, तो दोस्तों इससे आसान कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग में इतना पोटेंशियल है कि आप अपने ड्रीम्स और सपने पूरे कर सकते हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आपको हमारी फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पसंद आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका अदर से कोई क्वेश्चन है अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।